क्या होता है। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है या फिर स्क्वायर बॉक्स होता है। इसमें आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है मगर स्क्वायर बॉक्स भी होता है। इसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कुछ रोज होती है, कुछ कॉलम्स होते हैं। रोज को अपन आर वन बोलते हैं, आर टू बोलते हैं अगर दो रोज है तो, इसे सी वन सी टू और सी थ्री, और इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम बाय एन से। जो मैंने अभी आपको बताया वो अपन एक बार लिखा हुआ देख रहे थे। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। एनक्लोजर यहाँ तो इस तरह का ब्रैकेट होता है, यहाँ पर इस तरह का ब्रैकेट होता है। डिनोटेड और नेम यूजिंग कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर के डिनोट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज इसमें एम होती है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को अपन एन बोलते हैं। और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो एक ऑर्डर में होता है एम बाय एन, मतलब पहले अपन रोज लिखते हैं बाद में अपन कॉलम्स लिखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो एलिमेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उसका एक, उसको भी अपन एक तरीके से लिखते हैं ए आई जी, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, पहला है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। मतलब कि जो रो मैट्रिक्स होता है सिर्फ उसमें वन ही रो होती है, एक ही रो होती है, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये जो मैट्रिक्स है ये ऑर्डर 1/3 का है, क्यों? वन रो है और 3 कॉलम्स है। आई होप यू अंडरस्टैंड। रो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एग्जांपल, कितनी रो है? वन रो है और 3 कॉलम्स है, तो ये मैट्रिक्स कितना हो गया? 1/3 ऑर्डर का। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ वन कॉलम होता है और रोज कितनी भी हो सकती है। जैसे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है 3/1 का, क्यों? रोज तो 3 है मगर कॉलम 1 है। हमेशा अपन कैसे लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को? पहले रोज आती है बाद में कॉलम्स आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, वो क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये वाला जो है, ये इस डायगनल को अपन क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे जो ये जा रहा है, इसे अपन प्रिंसिपल डायगनल बोलते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते उसे अपन क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ये कौन सा है? मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, क्यों है? क्योंकि 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। नेक्स्ट है डायगनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स। स्क्वायर डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होते हैं और जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? जो डायगनल मैट्रिक्स होता है उसका जो डायगनल होते हैं वो इक्वल होते हैं मगर इक्वल टू वन नहीं होते, वो क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स। जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसके जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल तो होते हैं मगर वन के बराबर नहीं होते, उसे अपन क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, जो इसके डायगनल मैट्रिक्स है, डायगनल है वो बराबर है 2 के मगर 1 के बराबर नहीं है, और बाकी जो सारे एलिमेंट्स है वो क्या है? 0-0 है, क्योंकि डायगनल मैट्रिक्स में भी वही होता है, सारे एलिमेंट्स नॉन डायगनल एलिमेंट जो डायगनल पे होते हैं वो स्केलर, वो कोई सा भी एक 0 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई स्क्वायर मैट्रिक्स हूज ईच डायगनल एलिमेंट इज यूनिटी एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज डिनोटेड बाय I3 और सिंपली बाय I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डायगनल के एलिमेंट यूनिट होते हैं, यूनिटी होती है, मतलब 1 होते हैं, और जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो
जीरो होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो ऑर्डर 3 का होता है उसे यहाँ अपन I3 से डिनोट करते हैं या फिर IJ डिनोट करते हैं। ये देखिए I3 से डिनोट किया 100010001। अब नेक्स्ट है जीरो और नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हूज ईच ऑफ इट्स एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और अ जीरो मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय जीरो। एग्जांपल नल मैट्रिक्स में क्या होगा, वो कोई सा भी ऑर्डर का हो सकता है, उसमें फिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, 2x2 या फिर 2x3 कुछ भी हो सकता है, मगर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होते हैं और उसे अपन नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स अपर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बोलता है जो उसके एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगनल के जीरो होते हैं, जो भी प्रिंसिपल डायगनल से नीचे नंबर्स होते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं तो वो क्या होते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच ऑल द एलिमेंट्स अबव द डायगनल आर जीरो इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये जो डायगनल से ऊपर वाले होते हैं डायगनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं तो वो क्या होते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज ए ऐसे गिवन है 1, 4, 3, 1, 2, 7 तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो आपने कॉलम्स में लिखे हुए थे नंबर्स वो आपके रोज में आ जाएंगे, जैसे 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 7। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इटसेल्फ दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक। टू एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस अपीयर बिलो। जैसे ए और ए ट्रांसपोज इसका बराबर है, कैसे है, जैसे अपन ने 1, 2 और 2, 3 लिखा हुआ है, इसका अपन ट्रांसपोज निकालेंगे तो भी क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, इसमें देखो 5, 6, 7, 6, 3, 2, 7, 2, 1 इसका अपन ट्रांसपोज निकालेंगे 5, 6, 7, 6, 3, 2, 7, 2, 1 जो रो कॉलम्स में थे वो रोज में आ गए। आया समझ में। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है कब, जब जो ए ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर होता है। एग्जाम्पल ए 104-1, इसका ए ट्रांसपोज किया कितना आया 140-1, माइनस ए किया तो -1, 0, -4, 1। बी 0-2, 2, 0, 0, 2, -2, 0 तो -3 कितना हो जाएगा 0, +2, -2, 0 एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है डायगनल एलिमेंट्स आर 0। अब नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अपन ने इसको एक चार्ट में कन्वर्ट कर दिया ताकि अपन इजीली समझ सकें। ऑपरेशन इनपुट आउटपुट प्रॉपर्टी और एग्जांपल। ठीक है, एडिशन है सबसे पहले ऑपरेशन, तो इसका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब जो ए का एम बाई एन है तो बी का भी एम बाई एन ही होगा। ठीक है, अगर एक में 3 रोज है और 2 कॉलम्स है तो बी में भी 3 रोज और 2 कॉलम्स ही होंगे। ये रहा एग्जांपल, ए प्लस बी एम बाई एन निकल के आएगा, मतलब एडिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसकी प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वो क्या होती है, ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो। एसोसिएटिव, ए प्लस बी प्लस सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी। एग्जाम्पल 5, 4, 10, 2, 9, -3, 3/2 प्लस करेंगे -11, 7, 0, 1, 8, 3/2। आइडेंटिटी क्या होती है, ए एम प्लस एन प्लस 0m बाय मल्टीप्लाई बाय n, तो अपने पास क्या निकल के आएगा 0m बाय n प्लस am बाय n, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा am बाय n, मतलब अगर मैट्रिक्स 0 है तो अपने पास सेम का सेम ही मैट्रिक्स निकल के आएगा। एडिटिव इनवर्स, ए एम बाय एन
multiplied by minus a m by n gives you minus a m by n plus a m by n is equals to 0 m by n. Operation input output properties example. Difference. अब मैंने पहले additive का किया था difference का है. इसका input m by n minus b by n. तो हमने बस क्या आएगा? A minus b m by n subtracting corresponding elements. Order हमेशा same होना ही चाहिए. इसकी as such कोई property नहीं है. Example 7, 5, 11, 3, 9, -3 ये 3/2 का order है. ये भी 3/2 का order है. Minus किया अपन ने 7 --3, 3 -0, 5 -8, 9 -1, 11 --3, -3, -3 + 4 तो अपने पास क्या आ गया 10 -3, 14 -3, 8 1. स्केलर मल्टीप्लिकेशन a m by n k को k मतलब कोई सा भी स्केलर हो सकता है कुछ भी. आउटपुट क्या आएगा k a m by n. अब इसकी प्रॉपर्टीज है दो. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है k a plus b is equals to k a plus b. सेकंड है k plus 1 multiply by a तो k a plus 1 a. 2, 1, 2, 3, 4 2 से मल्टीप्लाई किया तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा मगर मल्टीप्लाई करने के बाद भी उन सारे के सारे नंबर 2 के मल्टीप्लिकेशन कहलाएंगे. ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इनपुट ए एम बाई एन माइनस बी एम बाई एन तो ए बी एम बाई एन आएगा. इसकी प्रॉपर्टीज है नॉट कॉम्यूटेटिव. ए मल्टीप्लाई बाई बी इज नॉट इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई ए क्योंकि वो नंबर चेंज हो जाते हैं इसलिए अपन नहीं कर सकते. एसोसिएटिव a इंटू बी ये ब्रैकेट में इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाई सी. डिस्ट्रीब्यूटिव ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी. ए प्लस बी ब्रैकेट में सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी. आइडेंटिटी फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर ऑल आई सेम ऑर्डर आई मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू ए आई इज इक्वल्स टू ए. एग्जाम्पल फॉर ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 0, 1 एंड बी इज इक्वल्स टू 5 - y 4, 1. AP is equals to 1, 2, 0, 1, 5 - y 4. तो अपन multiply करेंगे तो क्या आएगा? AP करेंगे तो 1 × 5, 5. 1 × 5 plus 0 × -y. फिर अपन यहाँ करेंगे 1 × 4 plus 0 × 1. फिर अपन कैसे निकालेंगे? 2 × 5, 10. 1 × -y, 5. 2 × 4, 8. 1 × 1, 9. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. फिर BA निकालेंगे. BA, B पहले A बाद में. 5 × 1 + 4 × 8, 5 + 8, 13. 5 × 0 + 4 × 1, 4. -5 × 1 - 5 + 1 × 2 - 3. -5 × 0, 0. 1 + 1, 1 × 1, 1. अब अपन क्वेश्चंस करते हैं. इफ x - y z 2x - y w = -1, 0, 4, 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y. x माइनस y कितना गिवन है? -1. 2x माइनस y कितना गिवन है? 0. ठीक है, x - y = -1, 2x - y = 0. अपन को x और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी आती है. कैसे निकालेंगे? यहाँ पर माइनस कर देंगे इसको, प्लस कर देंगे इसको माइनस, क्योंकि अपने को a को कैंसिल आउट करना होता है. -x = -1, x = 1. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. -y = 0. Therefore, x + y = 1 + 2 = 3. Y की वैल्यू अपने पास 2 निकल के आ गई, तो अपन ने x plus y में वैल्यू पुट कर दी. और x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, इधर से z की वैल्यू 4, w की वैल्यू 5.
नेक्स्ट अपन कर रहे हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। जो मैंने आपको ओरली बताया था वो मैं आपको रिटर्न में अच्छे से बता रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 2, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको अपन 3x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से अच्छे से, एक बार नहीं मैं एक बार करवा रही हूँ, आप बार बार इसको करके देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 2, पहले ये वाले जो रो है वो इस वाले कॉलम से अपन एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 × 1 + 2 × 0 + 3 × 0, इधर भी ऐसे ही करेंगे। ये वाली रो, ये वाला कॉलम क्या आएगा, 1 × 2 + 2 × 1 + 3 × 2, ऐसे इधर भी करेंगे। 4 × 1 + 5 × 0 + 6 × 0, इधर भी 4 × 2 + 5 × 1 + 6 × 2, इधर भी ऐसे ही करेंगे। 0 × 1 + 1 × 0 + 0 × 0, ऐसे इधर भी लिख भी करेंगे। 0 × 2 + 1 × 1 + 0 × 2, इन सबको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 + 0 + 0, इधर 2 + 2 + 6, इधर 4 + 0 + 0, 8 + 5 + 12, इधर 0 आ जाएगा क्योंकि 0 + 0 + 0, 0, 1, 0, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1, 10, 4, 25, 0, 1। If fx is equals to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, then show that fx into fy is equals to fx plus y, ठीक है? ये जो x है ना, ये यहाँ पर है, अगर अपन यहाँ पर y कर देंगे तो फिर यहाँ पर भी y आ जाएगा, और अपने को क्या प्रूव करना है, fx into fy is equals to x plus y, f का, cos x ये वाला, fx ऐसे कैसे लिखेंगे, fy, cos y, sin y 0, sin y, cos y 0, 0, 0, 1, अपन मल्टीप्लाई करेंगे cos x को cos y से, फिर माइनस sin x sin y प्लस 0, फिर वापस से cos x को यहाँ पे करेंगे माइनस cos x, सॉरी cos x sin y, माइनस का cos x sin y, माइनस का sin x cos y, और फिर 0 × 0 करेंगे, 0 ही आएगा, फिर cos x को 0 से करेंगे, माइनस sin x को 0 से करेंगे, और 0 को 1 से करेंगे, तो 0 ही sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस 0, ऐसे इधर के लिए sin x sin y, माइनस से माइनस आएगा, cos x cos y, 0 है, 0 आ जाएगा, फिर 0 × 0, 0 × 0, 0, 0 करेंगे तो अपने पास यहाँ पर 0 आएगा, किसी को भी 0 से करके देख लो, 0 को cos x से किया, 0, 0 को sin y से किया, 1 को 0 से किया, तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा, इधर भी 0 आएगा, सेम इधर भी 1 ही आएगा, 1 कैसे आएगा, 0 × 0, 0 × 0, 1 × 1, 0 matrix is the product of two non-zero matrices. We know that for real numbers AB, if AB is equal to 0, then either A is equal to 0 or B is equal to 0. This need not to be true for matrices. Find AB if A is equal to 0, 0, minus 1, 2 and B is equal to 3, 0, 5, 0. AB nikalenge pehle. 0 into 3 minus 1 into 0. 0 into 5 minus 1 into 0. 0 into 3 plus 2 into 0. 0 into, sorry, 5 plus 2 into 0. So ultimately apne paas kya aaya? 0. Theek hai? Find matrix A such that 2, 1, 3, -1, 0, 4, A is equals to -1, 1, 9, -8, -2, 22. Let matrix A is A is equals to A, B, C, D. Multiply करेंगे तो अपने पास ये है 2 × A, 2A, -1 × C, 2B, -D. तो क्या आ जाएगा, इधर ऐसे कैसे उतार लो, 1 × A, 0 × B, 0, -3 × A + 4C, इधर -3B + 4D. आई होप आपको मल्टीप्लाई करना अच्छे से आ गया होगा, इज इक्वल टू ये ऐसे कैसे आया, कंपेयर बोथ द साइड्स, 2A - C = -1, 2A - C = -1, सॉरी
comparing both the sides, 2a minus c is equals to minus 1, 2b minus d is equals to minus 8, a is equals to 1 है और b is equals to minus 2 है, ठीक है? तो ऐसे ही अपने पास इधर से c आ जाएगा और इधर से d आ जाएगा, तो अपने पास a मैट्रिक्स क्या बना, 1 minus 2, 3 minus 4. If A is a square matrix such that A square is equals to A, then write the value of 7A minus A plus DQ where I is an identity matrix. A square A है, 7A minus I, A, I plus AQ और IN क्या होता है, IQ ऊपर कुछ भी हो तो अपने पास I निकल के आता है. 7A minus IQ plus AQ plus 3I plus AQ form अपने को पता है identity क्या होती है. a plus b का whole cube क्या होता है, a cube plus b cube plus 3a square b plus 3b a square, तो whole चीज ये है. 7a minus i plus a plus 3a plus 3a, 3a plus 3a plus 1 i, 7 हो जाएगा और यहाँ पर अपने पास a बनेगा, 7a आ गया ये i, 7a minus 7a cancel हो जाएगा तो अपने पास क्या answer बचेगा, i, ठीक है, आया समझ में? matrices a plus 3b 4a minus b also show that a plus 3b ka transpose equals to a transpose plus 3b transpose, ठीक है, पहले first part देखते हैं, a plus 3b, a 301 minus 2, 3b 15, 3 minus 9 6, कैसे आया, 3 को अगर अपन एक-एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे b के एलिमेंट से तो अपने पास 3 भी निकल के आएगा. a plus 3b क्या हुआ, 3 plus 15, 0 plus 3, 1 minus 9, minus 2 plus 6, 18, 3 minus 8, 4, 4a minus 7b, 4 is equal to 12, 0, 4 minus 8, 7b is equal to 35, 7, minus 21, 40, 4a minus 7b is equal to 12 minus 35, 4 minus 21, 0, minus 7, minus 8, minus 14, is equals to minus 23, 7, 25, 22. Second part, a plus 3b ka transpose is equals to a transpose plus 3b transpose. ठीक है, अब अपन करके देखते हैं RHS को. a transpose कितना हुआ? 3, 1, 0, minus 2. 3b ka transpose 15, minus 9, 3, 6. फिर अपन a transpose plus 3b transpose करेंगे तो कितना आएगा? 3 plus 15, 1 minus 9, 0 plus 3 minus 2 plus 6. तो अपने पास क्या आ जाएगा? 18 minus 8, 3, 4. और LHS कितना था अपने पास? 18 minus 8, 3, 4. LHS, RHS बराबर हो गया, hence 2. If A is equals to 3, 12, 2, 8, B is equals to 8, Y, X minus 6. If A, B is a null matrix, find the values of X and Y. A, B is equals to 0. AB is equals to 3x at 24 plus 2y, 3x minus 12, 12 8s are 96, 8 plus 8y, 12x minus 48, 24 plus 2y is equals to 96 plus 8y, 2y minus 8y is equals to 96 minus 24, minus 6y is equals to 70, y is equals to minus 12. Similarly, 3x minus 12 is equal to 12x minus 48. Minus 12 plus 48 is equal to 12x minus 3x. 36 is equal to 9x, so x is equal to 4.